मुलाहिजा फरमाए के नबी के रोजे, बहुत प्यारी धुन है भाई, नबी के रोजे से दूर रह कर करूंगा भी तो मैं क्या करूंगा, नबी के रोजे से दूर रह कर करूंगा भी तो मैं क्या करूंगा, नबी के रोजे नबी के रोजे नबी के रोजे से दूर रह कर करूंगा भी तो मैं क्या करूंगा, लगा के यादे नबी का मरहम, लगा के यादे नबी का मरहम, मैं दर्द दिल की दवा करूंगा, नारे तकबीर जनाबे दिल खैर आबादी, लगा के भाई के लड़के हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, लगा के यादे नबी का मरहम, मैं दर्द दिल की दवा करूंगा। और मुजाहिद भाई मैं एक शेर और हाजिर करता हूँ, बहुत अजीब सा, अब शेर देखिएगा, अल्लाह अकबर के मोहम्मद मोहम्मद अहमद सब यार सब एक जबान बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहम्मद अहमद है मेरा मजहब, मोहम्मद अहमद है मेरा ईमान, मोहम्मद अहमद है मेरा मजहब, मोहम्मद अहमद है मेरा ईमान, मोहम्मद अहमद मोहम्मद अहमद है मेरा मजहब, मोहम्मद अहमद है मेरा ईमान, मोहम्मद अहमद लिखा करूंगा, मोहम्मद अहमद पढ़ा करूंगा, मोहम्मद अहमद लिखा करूंगा, मोहम्मद अहमद पढ़ा करूंगा, मोहम्मद अहमद लिखा करूंगा, मोहम्मद अहमद पढ़ा करूंगा। ये बच्चा छोटा सा बच्चा है, सिराज भाई का लड़का है, सिराज साहब के साहबजादे दिल खैराबादी का हौसला बढ़ा रहे हैं। आइए दिल खैराबादी एक मतला एक शेर इस बच्चे को क्यों नहीं नजर करें। दिल खैराबादी एक मतला हाजिर करता है, एक आशिक मुस्तफा की तड़प ये चार मिसरे में। मेरे यूपी में मैंने पढ़ा मुजाहिद हसनैन हबीबी को, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं ये दोनों को, वहाँ किस तरीके से सुना गया और यहाँ किस तरीके से सुना गया, ये दोनों में मुकाबला होता है। मुस्तफा सुनिएगा, जरा मोहब्बत से सुन ले तो मजा आ जाएगा। मुलाहिजा फरमाए के मुस्तफा 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 मुस्तफा, अरे मुस्तफा से इश्क हो गया, बोले बनवा सुभान अल्लाह, के मुस्तफा से इश्क हो गया, मुस्तफा से इश्क हो गया, अरे मुस्तफा से प्यार हो गया, मुस्तफा से इश्क हो गया, मुस्तफा से प्यार हो गया, मुस्तफा से इश्क हो गया,
मुस्तफा से प्यार हो गया, मुस्तफा से प्यार हो गया। मैं गुनाहगार था मगर मेरा बेड़ा पार हो गया। अरे मैं गुनाहगार था मगर मेरा बेड़ा पार हो गया। मुस्तफा से इश्क हो गया, मुस्तफा से प्यार हो गया। और हजरत ये शेर बतौर खास मुलाहिदा फरमा ले कि मुस्तफा से इश्क हो गया, मुस्तफा से प्यार हो गया, मुस्तफा से प्यार हो गया। कि आपकी रजा जिसे मिली, फूल की तरह महक उठा। आपकी रजा जिसे मिली, फूल की तरह महक उठा। आपकी रजा जिसे मिली, फूल की तरह महक उठा, फूल की तरह महक उठा। आप जिससे हो गए खफा, वो जलील खार हो गया। आप जिससे हो गए खफा, वो जलील खार हो गया। आप जिससे हो गए खफा, वो जलील खार हो गया, वो जलील खार हो गया। मेरे बाद पीएम मुजम्मिल साहब का नाम है और न जाने कमेटी वाले कब लेकर के आएंगे हजरत को, तो मैं परेशान हूं कि मैं जल्दी से हटूं। हजरत वाला तशरीफ लाने वाले हैं आपको भाई, कमेटी वाले को कम से कम 10 बार ऐलान कर चुका हूं कि जल्द लेके आए, जल्द लेके आए। फिर इसमें चुके उन्हीं का नाम है, उनके अलावा किसी का है भी नहीं कि हम पेश करते। थोड़ा जल्दी करें भाई, परेशानी हो जाती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बहुत सारे हजरत उलमा इकराम को सुनने के लिए बेचारे आए हैं, वरना वो ये ना सोचे कि ये तो यही पढ़े जा रहा है, यही पढ़े जा रहा है। ऐसा नहीं है, मौलाना तशरीफ लाने वाले हैं, इंशाअल्लाह चंद लम्हे में हजरत वाला तशरीफ लाएंगे तो मैं अपनी जगह ले लूंगा। अच्छा जी जी जी, शहरे नबी चार चार मिसरे दो पढ़ रहा हूं, तब तक इंशाअल्लाह हजरत वाला इंशाअल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं। चार मिसरे उन उलमा इकराम के हवाले से